आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के सतना जिले में दहेज नहीं देने पर 3 तलाक का पहला मामला सामने आया है। यहां पति ने सार्वजनिक तौर पर 3 बार तलाक कहकर पत्नी को तलाक देकर उसे घर से बेघर कर दिया है। मामले में पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल यह पूरा मामला सतना जिले के महिला थाने का है, जहां शादी के 4 माह बाद ही एक पति ने पत्नी को 3 बार तलाक कहकर उसे घर से बेघर कर दिया है। महिला का आरोप है कि पति व ससुरालजनों की दहेज की मांग पूरी न करने पर उसे सार्वजनिक तौर पर 3 बार तलाक बोलकर घर से बाहर कर दिया गया है। पीड़ित महिला के अनुसार उसका निकाह 4 माह पूर्व मार्च माह में मुख्तार सिद्दीकी के साथ हुआ था। पीड़िता ने महिला थाने में शादी के कुछ ही दिनों बाद शिकायत कराई थी कि ससुराल पक्ष और उसके पति लगातार दहेज की मांग कर रहे हैं। दहेज की मांग को लेकर ससुराल में उसके साथ लगातार खराब व्यवहार भी किया जा रहा था। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और परिवार परामर्श केंद्र में दोनों पक्षों की सुनवाई कराई। इसके बाद दोनों पक्षों में सुलह हो गई, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद पति मुख्तार सिद्दीकी ने अपनी पत्नी को सार्वजनिक रूप से 3 बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में की है। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर पति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि 3 तलाक पर बनाए गए कानून के मुताबिक देश में 3 तलाक देना अपराध है। इसके तहत आरोपी को 3 साल की सजा और उस पर जुर्माना लग सकता है। कानून के मुताबिक मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से पति अगर एक बार में अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है और पीड़िता या उसके रिश्तेदार द्वारा केस दर्ज कराया जाता है। इतना ही नहीं, मामले में पुलिस बिना वारंट के आरोपी पति को गिरफ्तार कर सकती है और मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही आरोपी को जमानत मिलेगी। फिलहाल 3 तलाक का यह मामला सतना जिले का पहला मामला बताया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है।